हाय एवरीवन, बना रहे हैं आज का यूट्यूब रिगार्डिंग मैं हल्का सा ग्लैम करने वाली थी मेकअप। आज बच्चों का फाइनल डे है, थॉट के छोटी सी एक ट्यूटोरियल बना लेते हैं तुम लोगों के लिए। सो सब तो पहले से यूज़ कर रहे हैं, मैंने स्किन केयर कर लिया हुआ है पर मेरी स्किन इज़ ड्राई। चाहे ये बहुत ही ज़्यादा गर्मियों वाले दिन है तो मैं यूज़ कर रही हूँ पैक का, दिस इज स्पॉटलाइट ऑयल प्राइमर। इट्स रियली नाइस, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करता फेस में, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है उन लोगों वास्ते जिनका स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। एंड यू कैन स्किप द प्राइमर बिकॉज इट्स एन प्राइमर, ऑयल प्राइमर। टेक दिस, डैब दिस ऑल ओवर योर फेस, एक्स्ट्रा नरिशमेंट। बच्चे आ चुके हैं, असी हो गए हैं लेट, बट मैं गो थ्रू कर रही थी बच्चे किधर काम कर रहे हैं। हूँ मैं सोचा मैं रेडी हो जाने बिकॉज ऑब्वियसली पिक्चर्स करवानी है सारे नाल, तो थोड़ा एक ग्लैम चाहिए। सो आईब्रोज निकाली सबसे पहले, फिर जिनको मुश्किल लगती है बाद में आईब्रोज करने में दिन देखें फिल इट सबसे पहले, बेस से पहले। चलो फिलिंग ऑलवेज ट्राई टू फिल पहले बैक साइड और उसके बाद हमेशा फ्रंट फिल करना है। बैक फिल करो, and then whatever is left I'm just going to fill the front now. पाउडर सेटिंग करूँगी मैं लास्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती मैं डबल डबल सेटिंग्स कराऊँ। सो पाउडर सेटिंग करेंगे हम लोग बाद में। आईब्रोज फिल हो चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप इज। सो आज मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फॉर एवर दिस स्टिक एंड आई एम यूजिंग 405 नंबर जस्ट टू हाइड माई डार्कनेस आँखों के नीचे। लाइटिंग ओके ओके दी है, एक साइड से लाइट लगाई हुई है बिल्कुल देते हैं एंड मैं एंड जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आई एम यूजिंग ब्रश, दिस इज़ फ्रॉम मिलाग्रो, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है ये ब्रश एंड दिस इज़ कंसीलर ब्रश Pro 13। इट्स रियली नाइस, इसके जो ब्रशेज हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, ये इंडिविजुअल भी ब्रशेज से बाय कर सकते हो। इट्स रियली नाइस, वर्थ बाइंग प्रोडक्ट। तो 405 नंबर से मैंने की है अपने फेस की कुछ करेक्शन, अब मैं करने वाली हूँ हाईलाइटिंग। मैंने थोड़ा मेकअप ग्लोई चाहिए है इसलिए मैं सारा कुछ यूज़ कर रही हूँ थोड़ा ऑयल बेस। वैसे मैं रेकमेंड नहीं करती, इट इज़ नॉट फॉर ऑयली पीपल, बिल्कुल ए वीडियो देख प्रोडक्ट्स नो स्किप करते जान, ऑयल बेस नहीं लगाना जिनका स्किन इज़ वेरी वेरी ऑयली। ड्राई स्किन वैसे वर्क करते हैं बट स्पेशली इन विंटर्स नॉट इन समर्स, पर मैंने थोड़ी टाइमली चाहिए एंड आई वॉन्ट अ ग्लोई ग्लोई मेकअप, तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल बेस। ओके, यहाँ यहाँ एक डॉट एंड लेट मी माय फोरहेड एंड दैट्स इट एंड द नंबर इज 225 भी बहुत बढ़िया है। अगर मैं करेक्शन ना करती होती तो मैं डायरेक्ट यूज़ करती तो डेफिनेटली मैं 225 नंबर यूज़ करती। सो मैंने ये अपने हाई पॉइंट्स पे लगाया एंड दैट्स इट। सो नेक्स्ट स्टेप, जब मुझे बहुत लाइट चाहिए होता है देन आई जस्ट टेक अ बिगर ब्रश और मैंने कर दिया अच्छे तरीके नाल मसाज। सी कितना अच्छा लग रहा है, इतनी ड्यूई फिनिश है आँखों के नीचे भी, वेरी सॉफ्टली। आँखों के नीचे कभी भी ड्रैग नहीं करना, हमेशा डैब द प्रोडक्ट, डैब इट डैब इट डैब इट। यस, सी इट लुक्स सो नाइस एंड सो ड्यूई, वेरी सॉफ्टली। जो एक डॉट लाया नू करा इसे मसाज, बहुत प्रोडक्ट बहुत घट है। ओके एंड दिस, थोड़ा कैमरा हिलता डुलता गया अच्छे। जो भी प्रोडक्ट रह गया आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इन ओवर देयर। ओके, द बेस इज ऑलमोस्ट डन एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू द कंटूर एंड द ब्लश। सो गाइस, ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शेड इज, पहले ब्रांड दस दिन, दिस इज सुपर सुपर क्यूट, दिस इज स्वीट चीक्स हैगा ब्रश, तो बहुत ही सोहना जहा ब्लश है। इट्स लाइक मोर टू वर्ड्स मूव साइड द विच, ये नाम भी इदा ही कुछ है, मूव ऑफ पॉपिंस। हाई
मेरा बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है कि मैम यूट्यूब कितना बनाते हैं। मेरी बड़ी रैंडम यूट्यूब्स हैं, ऐसे कितने भी बैग बना लो। ओके सो मैं लगाई हूँ सीख से, बहुत सोना यू नो ये वाला ब्लश है, ये तुसी बैग विच कैरी कर लो फॉर योर लिप, फॉर योर लिड्स, फॉर कभी भी हल्का टेंट देना है। आई एम टेकिंग द सेम ब्रश, आई एम जस्ट गोइंग टू डैब इट एंड सी। समझ में आई लाइक कि मैं थोड़ी पिंक और ग्लॉसी लगे दिस फेस स्ट्रक्चर मेरा। आई एम गोइंग लाइक दिस, आई एम पुटिंग अ लिटिल माय नोज, डब्ल्यू बना लो डब्ल्यू, पर जिन्हें डार्क सर्कल्स हैं मैं उन्होंने बोलती हूँ डब्ल्यू अवॉइड करो, जिन्हें डार्क सर्कल्स नहीं है दे कैन पुट डब्ल्यू वाला थिंग। ओके नाउ आई विल बी डूइंग माय कंटूर, सो आई एम टेकिंग ट्रफल शेड, यू कैन गो विद मोका ऑल्सो इफ यू डोंट वॉन्ट वेरी डीप शेड, सो दोनों कोई भी ले लो। आई एम जस्ट गोइंग टू कंटूर माय फेस, इस लाइन से ऊपर, ऑलवेज ड्रॉ लाइन हेयर एंड जस्ट ब्लेंड इट अपवर्ड्स, ना तुम्हें बहुत ही अच्छा चिजल्ड इफेक्ट मिलता फेस नू। वैसे मेरा फेस इज वेरी स्लिम, आई जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रक्चर, मैंने ज़्यादा पतला नहीं करना, जस्ट ब्लेंडिंग इट, ब्लेंडिंग स्टिकी गाइस। देखो अभी तक मैं कोई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ किया, स्टिल माय बेस इज़ रियली नाइस। ओके आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट ऑन माय फोरहेड एरिया। मैं ना हूँ कंटूर स्टिक्स होर तुम दिखाऊंगी जो असं यूज करते हैं, बिकॉज मेरे हाथ हमेशा यही आती है तो फिर मैं यही लगा लेती हूँ। ओके एंड लिटल बिट ऑन माई नोज। ओके सो हूँ आप लवेंगे अपना ब्यूटी ब्लेंडर, आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड एवरीथिंग। ब्रशेज तो बाद हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना ही करना है। इस बार मैं गई थी एक्सपो थे, मतलब ब्लेंडर भूल गई यार, मतलब कोई आर्टिस्ट ब्लेंडर भूल जाए, फिर मैं जो भी स्पॉन्ज जहाँ से वो जो होंगे नहीं साढ़े वे कॉम्पैक्ट फिर उन्होंने यूज़ किया, बट एक सैटिस्फैक्शन नहीं मिली। हाय हर्षिता मैम इज हेयर, आई एम लेट कर रही हूँ आपका BTS के आप YouTube वीडियो कैसे बनाते हो, देखो कितनी अच्छी अच्छा व्यू मिलेगा ना सारे, इन्ना वधिया व्यू इन ए भी बना दें, मैं यूट्यूब भी पाऊंगी कि मैं बनाई, बच्चे पूरे पैक्ड हैं तो मैं की कर रही हूँ इन्हें पता होना चाहिए मैंने वैसे सारे वैसे मेहनत की। ओके नाउ दिस इज डन, सो पाउडर ले रही हूँ, यू कैन टेक रिकोट का पाउडर, रिकोट द पाउडर भी बहुत बढ़िया है। ओके आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड इट आंखों के नीचे, ये तो मैंने आजकल बहुत स्वेटिंग हो रही है, इट्स ओके एंड रेस्ट ऑफ द एरिया वेरी लिटिल। तो जिनकी डिस्कलरेशन कम है ना मैं बोलती हूँ हमेशा उनको यही बोलती हूँ कम से कम प्रोडक्ट लगाए, बिकॉज सानू ज़्यादा छुपाने की लोड़ नहीं है, जिन्ना घट प्रोडक्ट होगा उन्ना आई थिंक डूई और शाइनियर लगेगा तेरा फेस। द पाउडर इज डन, हम इसे करेंगे अपने कंटूरिंग। आई एम टेकिंग दिस कंटूर शेड, दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ कंटूर, इट्स अ ब्रॉन्जर काइंड ऑफ अ शेड, मेरे डार्क है कॉम्पैक्ट से, मतलब जो मेरा फेस को कॉम्पैक्ट का कलर है, दिस इज NC42 एंड आई एम चूज गोइंग टू ब्लेंड इट, जहाँ जहाँ से मुझे अपने फेस को थोड़ा सा स्ट्रक्चर देना है। आई वॉज थिंकिंग टू पुट लेस ब्लश टूडे बिकॉज दिस इज रियली नाइस, थोड़ा सा ब्रॉन्ज, मुझे पर्सनली बहुत ब्रॉन्सी अच्छा लगता है, मेरे तो कौन कौन है जिन्होंने व्हाइट मेकअप जगह थोड़ा ब्रॉन्ज मेकअप अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो ताकि सानू पता चले, बाकी मैं तो सारी शांति करी हुई है। दैट्स इट, आई एम गोइंग टू यूज़ माय ब्लश, तुझे ब्लश नहीं सीधा हाईलाइटर करते हैं, छठ परे ब्लश ब्लश हाईलाइटर ब्लश। सो मैं पैक पैक का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, शेड शूट की है था बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया थे, मैं मेंशन कर दूँगी। I'm going to take this, dusting of the excess, and I'm just going to press this. Smile, please. And that's it. It gives you a very nice glow. ये वाला highlighter बहुत अच्छा है यार. ये सब कुछ मेरा मनी राम से आता है, अगर लोग पूछेंगे कितों लैनो कितों लैनो कितों लैनो, देखो बाहर जाकर तो हजे लै नहीं सकते, घूम जाऊँगे तो फिर लैके आवेंगे होर चीज़ा, बट हजे असी मनी राम तो ही लै लें एंड एवरीथिंग इज़ वेरी ऑथेंटिक। नाउ आई एम टेकिंग नार्स का ब्लश, ऑलमोस्ट सुटन वाला हो गया, मैं थोड़ा बच्चे हल्का टेंट वास्ते दे दिए,
and the shade is Orgasm. It has little shine in it. So can you see that glow? So मैं जब blusher लगाने का मन नहीं था, फिर मैंने सोचा हर का जब tint दे दिए, it will look nice. And over my nose. And that's it. सो आई शेडो पैलेट आज मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम करेक्टर कॉस्मेटिक्स. मैंने बहुत ही अच्छी लगी सी आई शेडो पैलेट. ये जो एक ब्राउन शेड है, आई रियल लाइक इट. हल्का आई लिप्स लगाऊंगे, दैट्स इट. मेरे शिमर शेडोज भी बहुत ज़्यादा बढ़िया ने. इट गिव्स यू अ वेरी सॉफ्ट एंड अच्छी शीन मिल रही है. सी एक ही में यू विल गेट द कलर. मैं ना अपनी आई लिड्स पर कंसीलर कट लगानी, बिकॉज आई रियली लाइक द वॉर्म्थ ऑफ माय आईज. एंड आई विल बी टेकिंग अ स्मॉलर ब्रश एंड जस्ट गोइंग टू पुट लिटिल बिट ऑफ शेडो अखा के नीचे. और मैं हंसती इस दिल्ली पे ही, बिकॉज बच्चे बेचारे बहुत सीरियस होकर काम कर रहे हैं. ओके, अगर मेरा मन करता है देन आई टेक सम हाइलाइटर या फिर शीन. आई कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ शीन. आई एम टेकिंग दिस ब्रॉन्जी शेड. And press it just the center and gives you a very nice halo effect. Front te nahi kar rahi hai, main center te kar rahi hai. And that's it. Okay, main thodi si baar le rahi hu lip balm. Aur ab hum log karenge lip line. आजकल बहुत ज़्यादा लिप लाइनर लगा रही हैं. एंड दिस इज़ अ चॉकलेट ब्राउन 014 फ्रॉम क्या कहते हैं कलर बार. सो द की इज़ मेक अ स्मॉल वी हियर एंड डाउन नीचे जाओ. ओके, जो सबसे कॉर्नर वाला नीचे से उसको अटैच करो. टेक दिस. ओके, हम सारा नो अटैच करना है. एक हल्की लाइन रखते द हाइएस्ट पॉइंट चले गए, एक स्ट्रक्चर मिल गया. एंड यू जस्ट नीड टू जॉइन दिस. अब मैं सिर्फ लगा रही हूँ सेंटर पे ग्लॉस. ओके, सो आई एम टेकिंग फेंटी की ग्लॉस एंड इट्स 01 नंबर. लिया. आई एम नॉट यूजिंग एनी लिप बिकॉज इज माई लिप्स आर रेड डाई, बट नाउ दिस लुक्स रियली नाइस. टेक अ लिप लाइनर, जस्ट लिप लाइन योर लिप्स एंड पुट सम ग्लॉस ऑन इट. इट लुक्स रियली नाइस. ओके, सो आज मेरे आउटफिट के साथ मुझे थोड़ा सा लिप पर डार्क लग रहा है. सो आई एम टेकिंग लिटल लाइटर शेड. हल्का सा, अगर आपको लिप्स डार्क लगे देखा हल्का सा लाइट शेड एंड जस्ट ब्लेंड इट इन सॉफ्टली. दिस इज बेटर. सब बताओ मुझे कौन सा शेड ज़्यादा अच्छा लगा, दिस लाइटर वन और द डार्क वन. आई एम पुटिंग मस्कारा. ऑलवेज कर्ल योर लैशेस एंड देन मस्कारा. टेक इट, काउंटर लाइक 10, 9, 8, 7, 6, 10 सेकेंड्स एंड जस्ट गिव 1, 2, 3, 4, 5. सो गाइज, अंदर बहुत ज़्यादा रश है तो मैं फाइनल लुक वहाँ पे शूट नहीं कर सकी. दिस इज़ माई कम्प्लीट लुक. बहुत सुंदर लग रही है. आई है तो बड़ी प्यारी है. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बार वाजा बहुत है सॉरी. ऐसी वीडियोस और देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर करें और बहुत सारे कमेंट्स करें, प्यार दें. टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय.